खिद्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है कि हम उड़ने लगे हो बादलों में, बहुत ऊपर और बहुत दूर? अगर ऐसा सच में हो सकता तो कितना मजा आएगा ना। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है उड़ते उड़ते। लेखक विद्या तिवारी, इलस्ट्रेटर रिजुटा घाटे, अनुवादक प्रथम बुक्स टीम। माँ की कहानी सुनते सुनते चंदू को गहरी नींद आ गई। सपने में वह उड़ने लगा। उड़ते उड़ते चंदू बगीचे में आया। वहाँ उसे एक तितली मिली। तितली ने पूछा, क्यों भाई, कैसा लग रहा है? चंदू ने कहा, मजा आ रहा है। उड़ते उड़ते चंदू ऊपर गया। वहाँ उसे एक गोरैया मिली। गोरैया ने पूछा, क्यों बड़े भैया, कैसा लग रहा है? चंदू ने कहा, मजा आ रहा है। उड़ते उड़ते चंदू और ऊंचा गया। वहाँ उसे एक गरुड़ मिला। गरुड़ ने पूछा, क्यों सेठ, कैसा लग रहा है? चंदू बोला, मजा आ रहा है। उड़ते उड़ते चंदू और भी ऊपर गया। वहाँ उसे एक हवाई जहाज मिला। हवाई जहाज ने पूछा, क्यों साहब, कैसा लग रहा है? चंदू बोला, मजा आ रहा है। उड़ते उड़ते चंदू बहुत ऊपर पहुंचा। वहाँ उसे एक रॉकेट मिला। रॉकेट ने पूछा, क्यों सर, कैसा लग रहा है? चंदू ने कहा, मजा आ रहा है। उड़ते उड़ते चंदू और भी ऊपर जाने लगा। इधर उधर देखने लगा। आसमान में तारे चमक रहे थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। चंदू को देखकर वे सिर्फ मुस्कुराने लगे, मगर चंदू ने अपने आप उन्हें बता दिया, अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ ने चंदू को जगाया और कहा, जागो बेटा। चंदू ने माँ को प्यार किया और बोला, सबसे अच्छा तो अब लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी सुनकर मजा आया होगा। मैं हूँ आपकी दोस्त नैंसी और मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किड्यार सपनों की उड़ान।